हेलो, हम लोग बात करने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको पेटीशंस कहा जाता है। तो पेटीशंस के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पेटीशन और एक शब्द और आप सुनते होंगे, स्पेशल लीव पेटीशन। तो ये सारी चीजें देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक्चुअली होता क्या है कि आप हमारे देश में लॉ से संबंधित कुछ चीजें कही जाती हैं। जैसे एक काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन आपने सुना होगा कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। अगर जो फैसला जल्दबाजी में किया जाता है, उस फैसले में अन्याय भी हो सकता है। मतलब ये लॉ में कुछ चीजें ऐसी बात कही जाती हैं। और दूसरी और एक बात कही जाती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में देरी होती है तब भी लोग उसे अन्याय समझते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। लेकिन इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भारत में एक संविधान बनाया गया, वो काफी कंप्रेहेंसिव उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। उसमें आर्टिकल 31, 36 एंड आर्टिकल 137 एंड आर्टिकल 142, 145, ये वो आर्टिकल हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट और उनके रिव्यू से संबंधित आपको काफी ये आर्टिकल बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि जजमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट कब कैसे क्या देखेगा और उसकी क्या ब्रॉडली प्रोसेस होती है। तो इसकी प्रोसेस हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि सपोज करो ये देश है, देश के अंदर कोई भी न्यायालय, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और नीचे फिर लोअर कोर्ट्स आती हैं, ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं, ट्रिब्यूनल्स जो स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं। इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह होती है कि सपोज करो देश की कोई भी कोर्ट कोई फैसला देती है और कोई व्यक्ति है एक्स वाई जेड, वो उस फैसले को चैलेंज करना चाहता है। एक्चुअली चैलेंज का मतलब ये होता है, वो चाहता है कि हमारा फैसला रिव्यू हो जाए। रिव्यू का मतलब होता है पूरी तरह पुनः इसकी क्या की जाए, एक जांच की जाए, एक पुनः इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट है वो देखे, हाई कोर्ट देखे, ठीक है, रिव्यू करने की कंडीशन जो है। तो ये व्यक्ति जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास परमिशन लेने। इसको कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। ये आर्टिकल 136, ठीक है, 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में परमिशन लेने जाएगा कि सर ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम चाहते हैं कि आप हमें परमिशन दो, तब हम रिव्यू के लिए दायर करें। मतलब कि ये स्पेशल लीव पिटीशन क्या होती है, परमिशन होती है। ये स्पेशल लीव पिटीशन एक परमिशन होती है जिसमें कोई भी पार्टीज या कोई भी व्यक्ति, अगर फैसला एक्स वाई के खिलाफ है, जेड के खिलाफ है, तो कोई अन्य व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट से के पास जा सकता है कि सर मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं, आप मुझे क्या करो, आप मुझे परमिशन दे दो कि मैं इसको रिव्यू के लिए चैलेंज कर सकूं। तो 136 में रिव्यू के लिए चैलेंज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसको मान भी सकता है कि हाँ जाओ भाई तुम रिव्यू कराओ अपने हाई कोर्ट से, या डिनाई भी कर सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट डिनाई भी कर देता है अंडर 136, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं हम आपका ये जो आप ये परमिशन मांग रहे हैं हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हाई कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। तो ये तो हो गई 136 की बात। इसमें केवल परमिशन मांगा जाता है कि हम डिसीजन को रिव्यू कराना चाहते हैं, उसकी परमिशन दे दो। क्या हुआ अगर परमिशन नहीं भी मिली, तब भी आर्टिकल 137 के तहत रिव्यू पिटीशन यहां फाइल किया जाता है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। रिव्यू पिटीशन किसके थ्रू, आर्टिकल 137 का प्रयोग करके, इन विच क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा जाता है कि सर आप जो अपना लॉ बनाए हो या आपने जो जजमेंट दिया है उसको एक बार क्या कर लो, रिव्यू कर लो, जो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ उसको आप रिव्यू कर लीजिए। अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि जो कोर्ट है उससे गलती नहीं हो सकती। कोर्ट भी ने भी काफी गाइडलाइंस बना रखी हैं, काफी मानक बना रखे हैं कि वो किस किस केसों में अपने केस को रिव्यू करेगा। ऐसा कई बार हो सकता है, सबरीमाला का जजमेंट था, ठीक है, उसको इस समय रिव्यू में डाल दिया है, मतलब उस पर एक बार जजमेंट आ गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच, सबसे बड़ी बेंच एक बार फिर से उसको रिव्यू करने की कोशिश कर रही है। तो रिव्यू पिटीशन क्या होता है, जैसे कोई माइनर मिस्टेक्स हो जाती है या फिर एक तरह से ज्यूडिशियल रिव्यू होता है अपने ही निर्णय का, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 137 के तहत आता है। हालांकि इसमें आर्टिकल 145 भी आगे चल के आप अगर पढ़ते हैं, दो चार आर्टिकल आगे जाएंगे, एक आर्टिकल 142 आता है जिसको कंप्लीट जस्टिस कहा जाता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास काफी बड़े अधिकार होते हैं, लेकिन मेनली 137 आर्टिकल जो है एंड 145 भी इससे डील करता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट देख सकती है। तो कोई भी व्यक्ति रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है, ये भी ध्यान में आपको रखना चाहिए, कोई भी व्यक्ति।
और इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल केसेस में क्या होता है, कोर्ट में कोर्ट बैठती है, वकील होते हैं, वो ओरल हियरिंग करते हैं, ठीक है, ओरल हियरिंग होती है ना। लेकिन जब रिव्यू पिटीशन कोई फाइल करता है तो उसमें जो बेंच होती है उन्हीं के ऑफिस में फाइलें पहुंचा दी जाती हैं और जज साहब खुद ही वहां पे निर्णय लेते हैं कि हमें इस केस को सुनना है या नहीं सुनना है। ओरल हियरिंग मतलब जो जिसे कहते हैं ना कि बयान, मतलब वकीलों की जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसको ओरल हियरिंग बहुत कम जगह पे ऐसा देखने को मिलता है। तो केवल खुद ही अपने बेंच में वो अपनी ऑफिसर्स में जज साहब ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इस रिव्यू करना है या नहीं करना है। जनरली जिस जो क्या होता है, जिस जज ने वो फैसला दिया होता है वही उसको रिव्यू करता है। अगर मान लो वो रिटायर हो गया है वो या डेथ हो गई है उनकी, तो क्या होता है कि जो भी सीनियरिटी के हिसाब से कोई और जज अपॉइंट किया जाता है रिव्यू करने के लिए। अभी क्या है कि जैसे रिव्यू पिटीशन, अगर रिव्यू पिटीशन सपोज करो कि उसमें भी न्याय नहीं मिलता है, ठीक है, कोई व्यक्ति है अगर वो उसको वो रिव्यू पिटीशन डालता है और वो चाहता है कि भाई अभी भी फेल हो गई है मेरी रिव्यू पिटीशन, तो इसके बाद वो क्या करे। इसके बाद एक और जो है प्राविधान है जिसे कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। क्या कहते हैं? क्यूरेटिव पिटीशन इसे कहा जाता है, क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई गलत, एक क्योर करना ना, जैसे कोई बीमारी हो जाती है उसको ठीक करना ना, क्योर करना। तो क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है, ये भी एक तरह का भारतीय ज्यूडिशियरी में क्या है, इंडियन इनोवेशन है, ठीक है, भारतीय जो न्याय प्रणाली है इसमें भारत की एक तरह से ये, इसमें भारत काफी योगदान है इस, क्योंकि आपको क्या पता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए, तो इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन भी आया। क्यूरेटिव पिटीशन लास्ट ऑप्शन होता है, आप ये ध्यान में रखें कि लास्ट ऑप्शन होता है न्याय के लिए। इसमें क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब होते हैं CJI और जो भी सीनियर जज होते हैं वो केस को देखते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि लास्ट ऑप्शन होता है क्यूरेटिव पिटीशन। और क्यूरेटिव पिटीशन का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है वो 137 आर्टिकल यहीं से आता है। अब क्यूरेटिव पिटीशन लास्ट ऑप्शन है, हालांकि आप कभी कभी ये भी देखते होंगे कि जो डेथ केसेस होते हैं या कुछ और केसेस में प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं और राज्यपाल होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, प्रेसिडेंट और राज्यपाल के सामने समक्ष मर्सी पिटीशन, दया याचिका जिसे कहते हैं, उसे भी दायर किया जाता है, ठीक है। तो दया याचिका का भी अलग एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम फिर देखेंगे, लेकिन आप यहां समझें कि स्पेशल लीव पिटीशन होता है एक, और उसके तहत परमिशन मांगी जाती है, फिर रिव्यू पिटीशन होता है, और फिर अगर वो नहीं होता है उसमें भी अगर बात नहीं बनती है तो आदमी क्या, कोई पार्टी कहां जा सकती है, वो जा सकती है क्यूरेटिव पिटीशन के लिए। तो ये लास्ट चांसेस होते हैं, बाकी प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब के पास भी ये अधिकार होते हैं।